हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंपल रेसिपीज चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउटेड मूंग यानी अंकुरित मूंग की रेसिपी। चलिए देख लेते हैं। मूंग स्प्राउटेड मूंग जिसे हमने भिगा के रख लिया था, प्याज कटे हुए, लहसुन, मिर्ची, टमाटर कटे हुए, कड़ी पत्ता। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल, ज्यादा नहीं। और अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। राई, लहसुन, कटे हुए हरे मिर्च, देखिए ये हल्का हल्का कलर आ गया इनमें, ये भून चुके हैं। अब हम इनमें कड़ी पत्ता डालेंगे और अब प्याज, अब इसे भी चलाते हुए भूनेंगे। देखिए अभी प्याज भी हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, भून गए। अब हम इसमें अंकुरित मूंग को डालेंगे। अंकुरित मूंग बहुत ही हेल्दी होता है। इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगा लीजिए। जब ये पानी अच्छी तरह सोख ले तो फिर पानी में से इसे निकाल लीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए, फिर इसमें से अंकुर निकल जाते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है ब्रेकफास्ट के लिए। और अब हम इसे भी चला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ही हल्का भूनना है क्योंकि हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं। भून देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए अब हमने इन्हें भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे चला लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे।
स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच या एक छोटा चम्मच। अब हम इन्हीं सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हम इसे थोड़ा पकने के लिए ढकेंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे हम इसे। चलिए चेक करते हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे। हम गैस को ऑफ कर देंगे, ये पूरी तरह रेडी है। अब हम इस पे धनिया डालेंगे, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, और ये रेडी है खाने के लिए। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। देखिए बहुत ही टेस्टी है, ब्रेकफास्ट में जरूर यूज कीजिएगा।